गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम इंडियन ज्योग्राफी को डिस्कस कर रहे हैं। पहला वीडियो जो है शूट हो चुका है और आप देख सकते हैं उसको यूट्यूब चैनल पे जाके भी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात कर रहे थे ज्योग्राफी के अंदर, इंडियन ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन के माध्यम से। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए ये सेशन, आपके वेरियस एग्जाम्स के लिए, जो भी लाइक SSC के लिए, HPSC के लिए, SSSC के लिए, वेरियस स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल एग्जाम्स जो रहेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए हैं वो देख रहे हैं और उनके थ्रू जो है अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जो है हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, www.ideologiseelearning.com। ठीक है, यहाँ पे जो है आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ से आपको ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। जिस भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी वो आपको अवेलेबल होंगी। लाइव टेस्ट का ऑप्शन रहेगा, लाइव टेस्ट आपके होंगे, मॉक टेस्ट, वेरियस मॉक टेस्ट होंगे, स्कोर अप मॉक टेस्ट होंगे, दैट मीन्स आपको स्कोर भी वहां पे अवेलेबल होगा। आप अपने आप को असेस कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को असेस कर सकते हैं। डेली क्विज अपलोड की जाएगी, डेली एग्जाम शूटर्स जो है वहां पे अपलोड होंगे। ठीक है, वेरियस प्लान्स का ऑप्शन है, जो भी है आप वहां से जो है देख सकते हैं। बाय बुक, अगर आपको कोई बुक बाय करनी है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। बैंक, SSC, HSSC, स्टेट लेवल, रेलवे, ये सब कोचिंग जो है आपको यहाँ पर अवेलेबल रहेंगी। अगर हम फोर्सेस की बात करें तो NDA, CDS, एयर फोर्सेस, आर्मी, नेवी, राइट। तो ये सब जो है आपको अवेलेबल रहेगा, आप वेबसाइट पर हमारे विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहें, दैट इज आइडियोलॉजिस ई लर्निंग, तो वहां से आप जो है हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, फोर्थ नंबर पर जब आप गूगल प्ले स्टोर में आइडियोलॉजिस ई लर्निंग टाइप करेंगे तो फोर्थ नंबर पर आपको जो एप्लीकेशन दिख रही है, दिस इज आवर एप्लीकेशन। तो आप यहां से जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी फीचर्स हमने लास्ट स्लाइड्स में बात करी है तो वो सब आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, दैट इज द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इंदिरा पॉइंट इज इन। भारत का जो दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है, सुदूर दक्षिण में जो इंदिरा पॉइंट है, वो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। सो देखिए, इंडिया की यहां पर बात हो रही है, इंडिया का जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है, मतलब इंडिया का जो दक्षिणतम बिंदु है, वो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट जो है वो ग्रेट निकोबार में है। याद रखिएगा, इंदिरा पॉइंट की यहां पर बात हो रही है। इंदिरा पॉइंट जो है इंडिया का साउथर्न मोस्ट पॉइंट है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो वो ग्रेट निकोबार में है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया की जो मेन लैंड है, ठीक है, इंडिया की मेन लैंड है, वहां पे इंडिया का जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, तो वो कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी, ठीक है, वो कौन सा रहेगा, कन्याकुमारी रहेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि साउथर्न मोस्ट अगर पॉइंट पूछा है, यहाँ पे इंडिया की बात है, इंडिया आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इंदिरा पॉइंट जो है वो रहेगा ग्रेट निकोबार में है ये पॉइंट। ठीक है, अगर इंडिया के मेनलैंड की बात की जाए कि मेनलैंड जो है इंडिया का, वहां पे जो इंडिया का साउथर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा होगा, तो वो रहेगा कन्याकुमारी। वहीं पे अगर इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पूछा जाए, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट अगर पूछा जाए कि जो सबसे पूर्व जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट रहेगा इंडिया का, वो रहेगा किबीथू। किबीथू अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या रहेगा, किबीथू रहेगा अरुणाचल प्रदेश में। अगर नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पूछा जाए, नॉर्दर्न मोस्ट मतलब सबसे उत्तर में जो बिंदु रहेगा, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो रहेगा इंडिया का वो कौन सा रहेगा, तो याद रखिएगा वो रहेगा इंदिरा कोल। इंदिरा कोल, इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर में है, तो इंदिरा कोल इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो सबसे नॉर्थ में जो इंडिया का पॉइंट है वो क्या है, इंदिरा कोल है। साउथ में जो इंडिया का पॉइंट है वो क्या है, इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करी है हमने, किबीथू। किबीथू जो है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, सबसे पूर्वतम बिंदु है इंडिया का। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट भारत का सबसे जो है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ठीक है, सबसे वेस्टर्न मोस्ट, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो वो गुजरात में है, एंड दैट नेम एज दी गुहर मोटी या फिर गुहर मोटा। ठीक है, सो दिस इज दी वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो ये जो है भारत का सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, गुहर, गुहर मोटी या फिर गुहर मोटा के नाम से ये जाना जाता है। तो ये कहां पे रहेगा, गुजरात में रहेगा। तो यहां से देखिए क्वेश्चन से क्लियर हुआ कि साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा हुआ, इंदिरा पॉइंट हुआ।
वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हुआ गुहर मोटा या फिर गुहर मोटी के नाम से भी ये चीज है। ईस्टर्न मोस्ट जो पॉइंट हुआ वो हुआ इंदिरा किबिथू। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो हुआ इंडिया का वो रहा किबिथू अरुणाचल प्रदेश में। नॉर्दर्न मोस्ट जो पॉइंट रहा वो रहा इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर में। ठीक है, क्वेश्चन था हमारा कि जो इंदिरा पॉइंट है वो कहां पर है। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु के अंदर है, दूसरा ऑप्शन है छोटा निकोबार के अंदर है, तीसरा ऑप्शन है ग्रेट निकोबार के अंदर है, और चौथा ऑप्शन है कार निकोबार आइलैंड के अंदर है। तो यहाँ पे सी जो है हमारा राइट आंसर रहेगा कि साउथर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंदिरा का इंडिया का दैट इज इंदिरा पॉइंट वो कहां पर है, ग्रेट निकोबार में है। सो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया इंडिकेट द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट। इनमें से भारत का कौन सा युगम जो है हमारे ऑप्शंस में दिया हुआ है वो सबसे पूर्वी राज्य और सबसे पश्चिमी राज्य को दिखाएगा, दैट मीन्स द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट एंड द वेस्टर्न मोस्ट स्टेट। ठीक है, अब हमें क्या पता है कि ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट अगर इंडिया की बात करी जाए तो ईस्टर्न मोस्ट में हमारे पास कौन है, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हमारा है गुजरात, गुजरात। ठीक है, तो यहां से देखिए पहला ऑप्शन है असम एंड राजस्थान, जी नहीं, अरुणाचल प्रदेश एंड राजस्थान, असम एंड गुजरात, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दैट अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात जो है वो ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है इंडिया का। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, इंडिया का जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो कहां पर है और वो कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे लैटिट्यूड की बात है। सो देखिए कौन सा रहेगा, हमने क्या बात करी थी कि जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो कहां पर रहेगा, गुजरात में रहेगा, ये चीज क्लियर है, गुजरात में है। नाम उसका है गुहार मोटी या फिर दिस इज राइट गुहार मोटी या फिर गुहार मोटा। सो ये जो है क्या रहेगा, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट रहेगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है ऑप्शन में वो है लैटिट्यूड, तो यहाँ पे जो इसका लैटिट्यूड रहेगा वो रहेगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट इन गुजरात। ठीक है, वेस्ट नहीं रहेगा, ईस्ट रहेगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी हमारा क्या है इसमें सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर इंडियन सिटीज इज द मोस्ट ईस्टवर्ड लोकेटेड। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सी इंडियन सिटी जो है सबसे ज्यादा ईस्ट में है, ईस्टवर्ड लोकेटेड है। सो देखिए हम इसको भी लैटिट्यूड के हिसाब से करेंगे, तो ये चीज आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा लर्न करने का यहाँ पे काम रहेगा। हैदराबाद जो है, हैदराबाद 78 डिग्री 29 मिनट ईस्ट पर है। ठीक है, हैदराबाद जो है 78 डिग्री एंड 29 ईस्ट पर है। वहीं अगर भोपाल की बात करी जाए तो भोपाल 77 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर है। ठीक है, लखनऊ की बात करी जाए तो लखनऊ 81 डिग्री ईस्ट पर है। ठीक है, और बेंगलुरु, बेंगलुरु की अगर बात करी जाए तो 77 डिग्री एंड 40 मिनट ईस्ट पर है। तो ये क्या है, इनके लैटिट्यूड्स हैं जहां पर जो है हमारे ये जो सिटीज हैं वो लोकेटेड है। बात यहां पर हो रही है कि इनमें से अधिक पूर्व में जो है कौन है, सबसे ज्यादा ईस्टवर्ड लोकेटेड कौन है। सो देखिए यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी लखनऊ 81 डिग्री ईस्ट। ठीक है, तो 81 डिग्री ईस्ट पे लखनऊ है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लखनऊ। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश में, जो लखनऊ है यहाँ पे देखिए ये जो है सबसे क्या है, ईस्टवर्ड लोकेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सबसे क्या है, ईस्टवर्ड लोकेटेड है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपको कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां से जो क्वेश्चंस आपके चले हैं वो मैपिंग के क्वेश्चंस चले हैं। ठीक है, मैप के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन जो है आते हैं हर एक एग्जाम्स में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है असम शेयर बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश। असम जो है वो भूटान एंड बांग्लादेश के साथ जो है क्या करता है, अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो देखिए सबसे पहले हम असम की बात करें, सो ये देखिए, ये दिस इज असम। ये असम है, ठीक है। अब असम सबसे पहले देखते हैं कि किन किन के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। सबसे पहला ऑप्शन है कि भूटान और बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। सो देखिए बिल्कुल भूटान के साथ भी शेयर कर रहा है और बांग्लादेश के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। सो ऑप्शन वन जो है यहाँ पे स्टेटमेंट वन बिल्कुल सही है कि असम जो है भूटान के साथ भी शेयर कर रहा है और बांग्लादेश के साथ भी शेयर करता है। सेकंड ऑप्शन है वेस्ट बंगाल शेयर बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल। अब वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें, सो दिस इज वेस्ट बंगाल। ये जो है वेस्ट बंगाल है, दिस इज वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल है हमारे पास। अब बात यहाँ पे है कि जो वेस्ट बंगाल है वो किसके साथ शेयर करता है, भूटान के साथ एंड नेपाल के साथ। तो देखिए यहाँ से भूटान के साथ भी शेयर कर रहा है और यहां से ये जो है दिस इज नेपाल, ये नेपाल है, ठीक है। ये क्या है, नेपाल है यहाँ पे, जहां पे एरो लगा है, होप यू कैन सी इट क्लियरली, दिस इज नेपाल। ये जो है ये नेपाल है, ठीक है। ये क्या है, नेपाल है। अब यहाँ पे देखिए बात है कि वेस्ट बंगाल शेयर बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल। तो यहाँ से देखिए भूटान के साथ भी वेस्ट बंगाल शेयर कर रहा है, बिल्कुल शेयर कर रहा है, और नेपाल के साथ भी यहाँ से देखिए शेयर हो रहा है, ठीक है, नेपाल के साथ। तो ऑप्शन यहाँ पे सेकंड भी जो है बिल्कुल सही हुआ। उसके बाद है मिजोरम शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम ये रहा, दिस इज मिजोरम, मिजोरम है। मिजोरम शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। यहाँ पे देखिए बांग्लादेश के साथ शेयर कर रहा है, ठीक है। मिजोरम जो है किसके साथ शेयर करता है, बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। यहां से देखिए बांग्लादेश के साथ शेयर नहीं कर रहा है, ठीक है। एंड म्यांमार, म्यांमार के साथ जो है ये शेयर करता है। यहां से देखिए म्यांमार के साथ जो है, म्यांमार के साथ शेयर कर रहा है। यहाँ पे दिस इज म्यांमार, यहाँ पे जो है शेयर होगा। सो यहां से देखिए ऑप्शन हमारा क्या रहा, मिजोरम शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार, ठीक है। यहां से मिजोरम जो है वो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर, यहां से देखिए दिस इज, ये जो है ये पूरा एरिया किसका है, बांग्लादेश का है, शेयर कर रहा है, ठीक है। मिजोरम भी शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। मैपिंग के क्वेश्चंस है, बहुत ध्यान से आपको मैप को जो है अपने माइंड में रखना होगा, उसके हिसाब से आप जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। मिजोरम बांग्लादेश के साथ भी शेयर कर रहा है और यहाँ से देखिए म्यांमार, दिस इज म्यांमार, यहाँ पे ये म्यांमार है, म्यांमार के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ से तीसरा भी जो है हमारा बिल्कुल सही होगा। सो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों के तीनों जो है क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। तीनों के तीनों जो है क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। तो मिजोरम भी बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश की बाउंड्री यहां से लेकर बिल्कुल ये देखिए, ये पूरी बाउंड्री है बांग्लादेश की, ठीक है। तो बांग्लादेश यहां से जो है मिजोरम के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो मिजोरम के साथ भी जो है शेयर कर रहा है और किसके साथ शेयर कर रहा है, म्यांमार के साथ जो है शेयर करता है। तो ऑप्शन तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैप बेस्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर, डज नॉट फॉर्म बॉर्डर विद बांग्लादेश। इनमें से कौन सा जो है बांग्लादेश के साथ शेयर नहीं करता। सो अगेन यहाँ पे मैप पे देखिए, दिस इज बांग्लादेश, दिस इज बांग्लादेश, ये जो है ये बांग्लादेश है, ठीक है। अब बात यहाँ पे हो रही है कि इनमें से कौन सा बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट है कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन सी कंट्री जो है शेयर करेंगी, ठीक है। यहां से देखिए वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के साथ बिल्कुल शेयर कर रहा है, आप देख सकते हैं क्लियरली, वेस्ट बंगाल जो है बॉर्डर शेयर कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या कर रहा है, देखिए वेस्ट बंगाल के बाद में क्या कर रहा है, यहां से देखिए यहाँ पे आए असम, दिस इज असम, आसाम जो है वो भी जो है बाउंड्री शेयर कर रहा है। तीसरा यहाँ पे देखिए मेघालय, आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियरली, मेघालय भी जो है बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, मेघालय बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। फोर्थ नंबर पर यहाँ पर आए, दिस इज त्रिपुरा, तो त्रिपुरा जो है वो भी बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा शेयर कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आया, लास्ट क्या है हमारे पास, मिजोरम, दिस इज मिजोरम। तो यहाँ पे देखिए मिजोरम जो है
वो भी बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 स्टेट जो है इंडिया की वो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करती है। हमारी नेबरिंग कंट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। नेबरिंग कंट्री कौन से हमारे राज्य से कौन कौन सी कंट्रीज टच करती हैं, हमारा बॉर्डर किस किस देश के साथ टच करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बांग्लादेश टोटल 5 हमारे स्टेट्स के साथ टच कर रहा है, दैट इज वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। क्वेश्चन हमारा था कि डज नॉट फॉर्म बॉर्डर विद बांग्लादेश, तो इनमें से कौन सा जो है बांग्लादेश के साथ बॉर्डर फॉर्म नहीं करता। तो यहाँ पे देखिए मेघालय जो है बिल्कुल करेगा, त्रिपुरा भी जो है कर रहा है, मणिपुर नहीं करता है, मिजोरम कर रहा है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मणिपुर यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज मणिपुर, ये जो है मणिपुर है, ये जो है बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद भूटान। इंपॉर्टेंट है, भूटान जो है हमारी बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, स्ट्रेटेजिकली भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है भूटान। ठीक है, तो भूटान जो है वो क्या बात हो रही है कि भूटान डज नॉट शेयर बॉर्डर विद, कि भूटान जो है इनमें से किसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। तो सबसे पहले हम यहां पर ये देखेंगे कि भूटान किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। सो दिस इज भूटान, ये जो है हमारे पास ये भूटान है। ठीक है, ये भूटान हुआ। अब देखिए भूटान किसके साथ शेयर कर रहा है, एज यू कैन सी इट क्लियरली ऑन द स्क्रीन, भूटान जो है वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करता है। बिल्कुल सही बात है, यहां से आप देख सकते हैं दिस इज वेस्ट बंगाल, ये देखिए ये वेस्ट बंगाल है। ठीक है, यहां से लेकर ये वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल जो है किसके साथ शेयर कर रहा है, भूटान के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है हमारा सिक्किम। सिक्किम के साथ भी जो है क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए असम, दिस इज असम, ये जो है ये है असम, तो असम के साथ भी शेयर कर रहा है, असम के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अब यहाँ पे देखिए भूटान जो है अरुणाचल प्रदेश, दिस इज द अरुणाचल प्रदेश, द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के साथ भी जो है अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो हमारी टोटल 4 कंट्रीज हैं जिसके साथ भूटान जो है अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, तो 4 ऐसी कंट्री हैं जिसके साथ अरुणाचल प्रदेश जो है क्या कर रहा है, अपनी बाउंड्री शेयर करता है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि किसके साथ शेयर नहीं करता है, तो देखिए सिक्किम के साथ बिल्कुल शेयर करेगा, मेघालय के साथ शेयर नहीं करता है। एज यू कैन सी मेघालय कहाँ पर है, दिस इज मेघालय, या देखिए असम के बिल्कुल नीचे जो है यहाँ पे ये येलो कलर से मैंने मार्क किया है मेघालय। ठीक है, तो मेघालय जो है उसके साथ भूटान अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है, अरुणाचल प्रदेश के साथ करता है, अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल साथ में है, वेस्ट बंगाल के साथ भी जो है अपनी बाउंड्री शेयर करेगा। तो भूटान जो है मेघालय के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता, सो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ठीक है, जो मैंने सर्कल से मार्क किया है ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा, मेघालय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड डिवाइड इंडिया इंटू 2 almost equal parts। ठीक है, ऐसा कौन सा लैटिट्यूड है जो इंडिया को 2 almost equal halves में डिवाइड करेगा। सो देखिए हमने बात की थी अपने लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज इंडिया सपोज, राइट। सो यहां से देखिए ये जो है दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया को ऑलमोस्ट 2 equal halves में डिवाइड करती है। ठीक है, 2 बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं। हम बात कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है टोटल इंडिया के 8 राज्यों में से होकर गुजरती है, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब ये जो हमारा है ये कौन से लैटिट्यूड पे है, तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया को 2 भागों में डिवाइड करती है वो 23 degree 30 minute नॉर्थ, दिस इज द लैटिट्यूड जो इंडिया को 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यहाँ पे हमारा जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी रहेगा। ठीक है, 23 degree 30 minute नॉर्थ इज द राइट आंसर, सो ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर इसमें रहेगा वो कौन सा रहेगा, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर इट्स मैक्सिमम बाउंड्री विद म्यांमार। इंपॉर्टेंट है, म्यांमार हमारे लिए, हमारी नेबरिंग कंट्री है म्यांमार, तो म्यांमार के साथ मैक्सिमम बॉर्डर कौन शेयर करता है? ठीक है, सबसे पहला जो यहाँ पे हमारे पास है दैट इज मणिपुर, तो यहाँ से आप देख सकते हैं मणिपुर। ठीक है, सबसे पहले म्यांमार की बात करें, म्यांमार को थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, दिस इज म्यांमार, यहां से ये जो है दिस इज ये, दिस इज म्यांमार, ये जो रेड से इधर इधर वाला हिस्सा है दिस इज म्यांमार। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बात हो रही है कि मैक्सिमम बाउंड्री कौन शेयर करता है म्यांमार के साथ। पहला ऑप्शन है मणिपुर, तो देखिए मणिपुर जो है बिल्कुल म्यांमार के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करेगा, ये चीज ध्यान रखनी है। सब देख लेते हैं म्यांमार के साथ कौन कौन अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिस इज अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश यहां से देखिए म्यांमार के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करेगा, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश शेयर कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, अगर नीचे आएंगे सो दिस इज नागालैंड, नागालैंड कर रहा है, इसको आप नोट कर सकते हैं कि कौन कौन सी हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं जिनसे हमारे कौन कौन से राज्य टच करते हैं, नागालैंड करता है। नागालैंड के बाद मणिपुर करता है, ठीक है, एज यू कैन सी क्लियरली दिस इज थर्ड नंबर पे ये मणिपुर है, उसके बाद ये क्या है मिजोरम, दिस इज मिजोरम, तो यहां पे देखिए मिजोरम, मिजोरम। ठीक है, तो ये चार जो हमारे राज्य हैं, चार जो हमारी स्टेट हैं, ये किसके साथ कर रही हैं, ये हमारे जो म्यांमार है उसके साथ अपना बॉर्डर टच करती हैं। अब पहला यहाँ पे बात हो रही है कि मैक्सिमम बाउंड्री कौन जो है शेयर करता है हमारे म्यांमार के साथ, तो अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश जो है वो क्या करता है मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करता है। यहां से देखिए ये अरुणाचल प्रदेश है, यहां तक मैक्सिमम बाउंड्री जो है वो शेयर कर रहा है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन बी, म्यांमार जो है, ऑप्शन बी इज दी, सॉरी अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर, म्यांमार के साथ मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार। ठीक है, चार स्टेट हमने पढ़ी कि कौन कौन सी चार स्टेट हैं जो म्यांमार के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कौन कौन सी स्टेट थी, अरुणाचल प्रदेश था, ठीक है, दूसरे नंबर पर नागालैंड था, मणिपुर था और मिजोरम था, ये चार स्टेट जो है ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो वो इंडिया क्या करते हैं म्यांमार के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कि इनमें से कॉमन बॉर्डर कौन नहीं शेयर करता, आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो देखिए आसाम जो है अपना बॉर्डर जो है अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ शेयर नहीं करता, नागालैंड भी अपना बॉर्डर शेयर करता है, अरुणाचल प्रदेश भी अपना जो है बॉर्डर शेयर करता है और मिजोरम भी जो है अपना बॉर्डर शेयर करता है, असम जो है वो अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता म्यांमार के साथ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे देखिए बात हो रही है पाकिस्तान की कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट शेयर इट्स बाउंड्री विद पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के साथ कौन कौन से हमारे राज्य हैं जो अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं, तो चलिए देखिए मार्क करते हैं, यहाँ पे देखिए दिस इज पाकिस्तान, ये देखिए ये पाकिस्तान है, रेड से मार्क किया है उधर वाला पाकिस्तान है। सबसे पहले हमारा जम्मू एंड कश्मीर, तो पाकिस्तान के साथ कौन कौन शेयर कर रहा है, सबसे पहले जे एंड के, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर जो है पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। दूसरे नंबर पर आप यहाँ पे देख सकते हैं पंजाब, पंजाब जो है वो बाउंड्री शेयर कर रहा है, पंजाब आप देख सकते हैं पंजाब जो है बाउंड्री शेयर करता है। तीसरे नंबर पर राजस्थान, राजस्थान शेयर कर रहा है पंजाब से, जब आप नीचे की तरफ आएंगे ये देखिए ये येलो येलो जो है दिस इज राजस्थान, राजस्थान शेयर करता है। और चौथे नंबर पर गुजरात, यहां से देखिए ये गुजरात, ये जो है ये हिस्सा गुजरात का ये पाकिस्तान के साथ टच करता है, तो गुजरात, तो ये चार राज्य जो है हमारे वो पाकिस्तान के साथ क्या करते हैं बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही हमारे पास क्वेश्चन में है, सबसे पहला ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड राजस्थान, हिमाचल प्रदेश नहीं शेयर करता है, दिस इज हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे देखिए ये हिमाचल प्रदेश है, ये जो है पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है। दूसरे नंबर पर है पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान एंड गुजरात, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, ये जो है पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान एंड गुजरात। तीसरा ऑप्शन पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, यहाँ पे हरियाणा जो है बाउंड्री शेयर नहीं करता है। चौथा ऑप्शन है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश जो है बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है। तो चार राज्य जो है हमारे वो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, पहला जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा पंजाब, तीसरा राजस्थान और चौथा जो है गुजरात। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, द ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट नेबरिंग नेपाल इज, ठीक है, कौन सा ग्रुप ऑफ स्टेट जो है वो नेपाल को क्या करता है, नेबर कर रहा है, ठीक है, तो ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेपाल की, तो यहाँ से देखिए मैप के अंदर यू कैन सी इट्स क्लियरली, दिस इज नेपाल, रेड से मैं इसको जो है मार्क कर रही हूँ शो करने के लिए, ये नेपाल है, दिस इज नेपाल। अब नेपाल के बिल्कुल साथ में हमारा ये छोटा सा सिक्किम है, दिस इज सिक्किम, ठीक है, ये सिक्किम है हमारा। यहाँ पे देखिए बात करते हैं कि नेपाल को कौन कौन से स्टेट जो है हमारे इंडियन स्टेट जो है नेबरिंग कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए दिस इज उत्तराखंड, ठीक है, सबसे पहले देखिए नेपाल की बात करें तो उत्तराखंड, उत्तराखंड करता है, ठीक है, बिल्कुल सही है, उत्तराखंड कर रहा है। उसके बाद जब नीचे आए तो यहां से देखिए दिस इज यूपी, यूपी भी जो है नेपाल को करता है, यूपी, उत्तर प्रदेश। उसके बाद यहाँ पे आएंगे ये बिहार, बिहार भी जो है क्या करता है, बिहार, बिहार करता है। यहाँ पे देखिए सिक्किम है, सिक्किम, सिक्किम भी कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस मैप को समझने की कोशिश कीजिएगा, ये देखिए ये है वेस्ट बंगाल, दिस इज वेस्ट बंगाल, यहाँ से ये जो है ये रेड से, दिस इज वेस्ट बंगाल, ये है वेस्ट बंगाल। अब यहां से वेस्ट बंगाल भी जो है ये देखिए किससे टच कर रहा है, नेपाल को टच करता है, वेस्ट बंगाल भी जो है नेपाल को टच करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो है वेस्ट बंगाल भी क्या करेगा, नेपाल को बॉर्डरिंग करेगा। तो यहाँ पे टोटल पांच स्टेट जो है इंडिया की वो क्या करती है, नेपाल को टच करती है, नेपाल के बॉर्डर को टच करती है। ध्यान रखिएगा सबसे पहले उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, ये पांच राज्य हैं भारत के जो क्या करते हैं नेपाल को बॉर्डरिंग करते हैं। यहाँ पे जो है दो पेयर दिए हुए हैं राज्यों के, स्टेट के, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म जो है, कौन सा पेयर जो है नेपाल को टच करता है। पहला है सिक्किम और भूटान, देखिए भूटान जो है कंट्री है, ठीक है, हमारी नेबरिंग कंट्री है, राज्य नहीं है हमारा, तो ऑप्शन ए गलत है। सिक्किम एंड बिहार बिल्कुल सही है, देखिए सिक्किम और बिहार दोनों के दोनों जो है किसको टच करते हैं, नेपाल को बॉर्डर कर रहे हैं। आसाम एंड बिहार, बिहार जो है नेपाल को टच करता है, आसाम जो है नेपाल को टच नहीं करता। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, यूपी जो है वो नेपाल को टच करता है, लेकिन हरियाणा जो है नेपाल को टच नहीं करता। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट सिक्किम एंड बिहार, सिक्किम और बिहार जो है वो क्या करते हैं नेपाल को बॉर्डरिंग कर रहे हैं, नेपाल को टच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विद इंडिया, ठीक है, इंडिया के साथ सबसे लंबा लैंड फ्रंटियर, सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है कौन सी कंट्री जो है शेयर करती है। तो सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास चाइना, चाइना करता है, नेपाल करता है, पाकिस्तान करता है और बांग्लादेश करता है। सो देखिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बांग्लादेश, और बांग्लादेश जो है वो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है वो शेयर करता है, और उसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर, ठीक है, तो बांग्लादेश जो है वो सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है भारत के साथ शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉर्म बाउंड्री विद बांग्लादेश, इनमें से कौन सी स्टेट जो है बांग्लादेश के साथ बाउंड्री फॉर्म नहीं करती। तो बांग्लादेश की हमने बात करी थी, बांग्लादेश के साथ कौन कौन सी शेयर करती है, दोबारा से देख लीजिए, बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल करेगी, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम।
वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, तो ये जो कंट्री, ये जो हमारे राज्य हैं, ये बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था अच्छे से। तो बात यहाँ पर हो रही है कि डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ कौन सी शेयर नहीं करती है। तो पहला ऑप्शन है असम, असम कर रहा है शेयर। नागालैंड, नागालैंड जो है बांग्लादेश के साथ शेयर नहीं करता। ठीक है, ऑप्शन बी, मेघालय भी शेयर कर रहा है और मिजोरम भी जो है शेयर करता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे जो आंसर रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नागालैंड जो है वो क्या करता है, बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट। द बाउंड्री बिटवीन इंडिया, द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज डिमार्केटेड। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो बाउंड्री है वो कौन सी बाउंड्री है या फिर उसका नाम क्या है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, ड्यूरंड लाइन, ड्यूरंड रेखा द्वारा जो है इंडिया और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है उसको डिमार्केट किया जाता है, निर्धारित की जाती है। मैकमोहन लाइन, मैकमोहन रेखा है। मैगिनॉट लाइन, तीसरा है मैगिनॉट लाइन। और चौथा है रेड क्लिफ लाइन। सो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बात हो रही है इंडिया और पाकिस्तान की। इंडिया और पाकिस्तान 1947 के अंदर, 1947 के अंदर, ठीक है, रेड क्लिफ जो थे उन्होंने जो है इस बाउंड्री को डिसाइड किया था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, की इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री क्या होगी 1947 में, एज वी ऑल नो। सो रेड क्लिफ लाइन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो बाउंड्री है उसको निर्धारित करती है। उस लाइन का नाम ही क्या है, रेड क्लिफ लाइन। ड्यूरंड लाइन की बात करें तो ड्यूरंड लाइन जो है इंडिया एंड अफगानिस्तान, इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच की बाउंड्री को वो करेगी, डिमार्केटेड करेगी। मैकमोहन लाइन की बात करें तो मैकमोहन इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड चाइना। मैगिनॉट लाइन की बात करें तो मैगिनॉट लाइन जो है फ्रांस एंड जर्मनी, फ्रांस एंड जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी के बीच की जो लाइन है दैट इज नोन एज द मैगिनॉट लाइन। तो याद रखिएगा, ड्यूरंड लाइन इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की लाइन रहेगी, मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच की लाइन है, मैगिनॉट लाइन फ्रांस और जर्मनी के बीच की लाइन है, और रेड क्लिफ लाइन जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच की लाइन रहेगी। सो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री जो है कौन सी लाइन निर्धारित करती है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज एन एग्जाम्पल ऑफ, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है वो किसका उदाहरण है। पहला ऑप्शन है सुपर इम्पोज बाउंड्री, सुपर इम्पोज बाउंड्री जो अध्यारोपित सीमाएं हैं जो इम्पोज की गई हो, ठीक है, कि आपको जो है ये आपकी बाउंड्री है और ये आपकी बाउंड्री है, तो उस तरीके से सुपर इम्पोज बाउंड्री। दूसरा है एंटीसेंडेंट बाउंड्री, पूर्ववर्ती सीमा जो पहले से निर्धारित है। रिलेक्ट बाउंड्री, अवशिष्ट सीमा जो किसी अवशिष्ट से बनी हो। सबसिक्वेंट बाउंड्री, परवर्ती सीमा। ठीक है, तो देखिए हम सबको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो बाउंड्री है रेड क्लिफ लाइन जो है उसे जाना जाता है, उस सीमा को, दैट इज द सुपर इम्पोज बाउंड्री। वो सुपर इम्पोज बाउंड्री है, 1947 के अंदर रेड क्लिफ कमीशन जो था, ठीक है, रेड क्लिफ जो थे उन्होंने जो है इस सीमा को निर्धारित किया था, एंड दैट इज नोन एज द रेड रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, तो यहां से देखिए सुपर इम्पोज बाउंड्री वो क्या है, अध्यारोपित सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिमार्केट इंडिया एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ, नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ द चाइना। चाइना का जो नॉर्थ और ईस्टर्न हिस्सा है उसके बीच की बाउंड्री और इंडिया के बीच की बाउंड्री को क्या कहा जाता है। ड्यूरंड लाइन, मैकमोहन लाइन, रेड क्लिफ लाइन, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ड्यूरंड लाइन जो है वो इंडिया और ड्यूरंड लाइन जो है वो किसके बीच की है, इंडिया एंड अफगानिस्तान, इंडिया एंड अफगानिस्तान। मैकमोहन लाइन जो है वो है इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड चाइना। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन जो है वो क्या है, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो यहां से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैकमोहन लाइन जो है वो इंडिया और चाइना के बीच की बाउंड्री को निर्धारित करती है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट इंडिया एंड श्रीलंका। इंपॉर्टेंट है, इंडिया और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका को कौन इनमें से अलग करता है। सबसे पहला ऑप्शन है स्वेज नहर, सूज कैनाल। दूसरा है पर्ल स्ट्रेट, ठीक है, पर्ल स्ट्रेट बे, पाक जल डमरेड
डमरू मध्य, गुल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी, गुल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इंडिया मैप आपको गिवन है, इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका की यहाँ पर बात करेंगे। दिस इज श्रीलंका, ये जो है दिस इज श्रीलंका, श्रीलंका है यहां पे, ये जो है ये इंडिया है, यहां तक आप देख सकते हैं। इंडिया और श्रीलंका के बीच में, यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका के बीच में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हिस्सा है, दिस इज, ये जो हिस्सा है दिस पार्ट, ठीक है, तो ये जो हिस्सा है इसे कहा जाता है पल्क स्ट्रेट, पल्क स्ट्रेट, पल्क स्ट्रेट, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है ये हमारे इंडिया को और श्रीलंका को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। जब आप एक क्लोजर लुक लेंगे मैप का रिवाइज करने के लिए, तब आप यहाँ पे देखेंगे कि इंडिया और श्रीलंका को जो सेपरेट कर रहा है दैट इज द पल्क स्ट्रेट, वो क्या है, पल्क स्ट्रेट है। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा, पल्क स्ट्रेट बे। सूज केनाल की बात करें तो सूज केनाल के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो सूज केनाल है हमारी, स्वेज केनाल जो है हमारी, स्वेज केनाल जो है हमारी वो रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी को जो है कनेक्ट करती है, रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को जो है कनेक्ट करती है हमारी सूज केनाल, ठीक है। लंबाई की अगर हम यहाँ पर बात करें, लेंथ की बात करें, तो 193.3 किलोमीटर जो है लॉन्ग रहेगी ये, याद रखिएगा, किन को कनेक्ट करती है, रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करती है। अब ये चीज देखिए, सी ऑप्शन है हमारे पास गुल्फ ऑफ खंबात एंड गुल्फ ऑफ कच्छ। देखिए गुल्फ ऑफ कच्छ क्या है, गुल्फ ऑफ खंबात क्या है, दिस इज इंडिया, दिस इज राजस्थान रफली मैप एंड दिस इज गुजरात, सपोज ये है हमारे पास और ये हिस्सा है, ठीक है, ये है हमारे पास, ये जो हिस्सा है राजस्थान और गुजरात के बीच का, यहाँ पे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, दिस इज, ये जो हिस्सा है मैप के अंदर भी आप देख सकते हैं, ये जो येल्लो पार्ट से मैं आपको शो कर रही हूँ ये वाला, ठीक है, ये है गुल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी, गुल्फ ऑफ कच्छ। और ये जो हिस्सा है हमारा, यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से मैप है, ये जो हिस्सा है यहां से आप देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है दिस पार्ट, ये है हमारे पास गुल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी, गुल्फ ऑफ खंबात। तो गुल्फ ऑफ कच्छ जो है वो ये है और ये जो है हमारे पास दिस इज गुल्फ ऑफ खंबात। तो यहां से देखिए चारों चीजें आपको क्लियर हुई कि कहां पे क्या है, क्या लोकेशन है मैप में इनकी। तो क्वेश्चन था कि इंडिया और श्रीलंका को कौन सेपरेट करता है, सो ऑप्शन बी पल्क स्ट्रेट बे इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज बॉर्डर विथ थ्री कंट्री नेमली नेपाल भूटान एंड चाइना। इनमें से कौन सा ऐसी कंट्री है हमारे भारत की जो किसके साथ बॉर्डर कर रही है, नेपाल के साथ भी बॉर्डर करती है, भूटान के साथ बॉर्डर करती है, चाइना के साथ भी बॉर्डर करती है। तो यहाँ पे मैप में आप देखिएगा, यहाँ पे दिस इज भूटान, ये भूटान है, ठीक है, भूटान है, उसके बाद बात हुई है चाइना की, तो ये पूरा का पूरा आपको दिख रहा है ऊपर चाइना है, ये दिस इज चाइना, ये चाइना है, ठीक है, ये जो है हमारे पास नेपाल, ये जो हिस्सा है ये है नेपाल का, ये नेपाल का हिस्सा है। तो अब इन तीनों को कौन सी हमारी कंट्री है जो बॉर्डर शेयर करती है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारी छोटी सी, छोटा सा हमारा राज्य है, छोटा सा स्टेट है हमारा, दैट इज सिक्किम। सो ऑप्शन में देखिए क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश जो है नेपाल को टच नहीं कर रहा। मेघालय जो है, मेघालय की बात करें तो मेघालय बांग्लादेश को टच कर रहा है सिर्फ। वेस्ट बंगाल जो है वो भी नहीं करेगा, वेस्ट बंगाल। सिक्किम, सिक्किम इज द राइट आंसर, सिक्किम जो है चाइना को भी, चाइना के साथ भी अपना बॉर्डर टच करता है, नेपाल के साथ भी अपना बॉर्डर टच करता है और भूटान के साथ भी अपना बॉर्डर जो है वो टच कर रहा है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सिक्किम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज इंटरनेशनल बाउंड्री ऑन इट्स थ्री साइड. ठीक है, तीनों तरफ इंटरनेशनल बाउंड्री है, ऐसा कौन सा हमारा राज्य है. तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं, वैसे तो सिक्किम भी है, तीनों तरफ से जो है इंटरनेशनल बाउंड्री वो है. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आसाम जो है, नागालैंड, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल. आसाम की अगर बात करें तो आसाम जो है सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर कर रहा है, वो भी एक ही तरफ से, बाकी तीनों तरफ से वो इंडियन स्टेट से जो है सराउंडेड है. नागालैंड की बात करें तो नागालैंड भी सिर्फ और सिर्फ म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करता है. त्रिपुरा की अब यहां पर बात करेंगे, त्रिपुरा की यहां पे देखिए, दिस इज त्रिपुरा, ये त्रिपुरा है. त्रिपुरा यहां से भी बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर कर रहा है, यहां से भी बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर कर रहा है, और यहां से भी जो है बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर कर रहा है. ठीक है, सिर्फ आसाम के साथ, याद रखिएगा, आसाम के साथ त्रिपुरा जो है सिर्फ इतना कनेक्टेड है, दिस इज आसाम. ठीक है, तो तीनों तरफ से जो है त्रिपुरा किससे कनेक्टेड है, त्रिपुरा तीनों तरफ से जो है किससे कनेक्टेड है, इंटरनेशनल बाउंड्री से कनेक्टेड है. सो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, त्रिपुरा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पैलेलियो मैग्नेटिक रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम इंडिया इंडिकेट इन द पास्ट दैट इंडिया इंडियन लैंड मास हैज मूव्ड. ठीक है, तो पैलेलियो मैग्नेटिक रिजल्ट जो हमने ऑब्टेन किए पास्ट के अंदर, वो उसने ये इंडिकेट करा दैट इंडिया जो है, इंडियन जो लैंड मास है उसने मूव किया है, इंडियन लैंड मास मूव हुआ है. तो यहाँ पे डायरेक्शन आपको गिवन है कि नॉर्थवर्ड, उत्तर में, उत्तर की तरफ जो है मूव किया है, साउथवर्ड, दक्षिण की तरफ मूव हुआ है, ईस्टवर्ड, पूर्व की तरफ मूव हुआ है. सो देखिए, सबसे पहले हम डायरेक्शन की बात करें, अगर यहाँ पर डायरेक्शन की अगर हम बात करें, दिस इज नॉर्थ, ये नॉर्थ है, उत्तर है, दिस इज साउथ, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और दिस इज वेस्ट, ये वेस्ट है. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां बात करते हैं कि पैलियो मैग्नेटिज्म होता क्या है. ठीक है, पैलियो मैग्नेटिज्म, पैलियो मैग्नेटिज्म क्या है. ठीक है, ये क्या है, पैलियो मैग्नेटिज्म क्या है, स्टडी ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जो पृथ्वी है उसकी जो चुंबकीय, उसका जो चुंबकीय क्षेत्र है, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको स्टडी करना. ठीक है, किसके अंदर, रॉक्स के अंदर, चट्टानों के अंदर. ठीक है, जब हम चट्टानों के माध्यम से, या फिर सेडिमेंट्स, जो हमारे सेडिमेंट्स हैं, ठीक है, अवशिष्ट हैं जो हमारे, ठीक है, और हमारे जो भी मटेरियल्स हैं, आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल जो मटेरियल्स हैं हमारे, आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स का मतलब क्या है, जो हम खुदाई से जो भी हमें अवशिष्ट मिले हैं, जो भी चीजें हमें प्राप्त हुई हैं, इन सबके माध्यम से, जब इन सबके थ्रू हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज द पैलेलियो मैग्नेटिज्म. बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, उसे पैलेलियो मैग्नेटिज्म बोला जाता है. ठीक है, द स्टडी ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन रॉक, सेडिमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल मटीरियल्स इज नोन एज द पैलेलियो मैग्नेटिज्म. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस थ्योरी ने जब ये स्टडी हुआ तब क्या बताया गया, कि जो हमारा अर्थ है, ठीक है, जो अर्थ है वो क्या है, अब इंडियन जो लैंडमास है हमारा, इंडियन जो लैंडमास है, दैट वाज द पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, याद रखिएगा, इंडियन लैंडमास जो है, ठीक है, भारतीय स्थलपिंड जो है सरका है, और एंशंट में वो पार्ट किसका था, गोंडवाना लैंड का था. ठीक है, गोंडवाना लैंड का वो हिस्सा था. गोंडवाना लैंड में कौन कौन से हिस्से हैं आपके, कौन कौन से हिस्से थे, साउथ अमेरिका, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अफ्रीका. ठीक है, अफ्रीका, ये जो है ये किसके हिस्से थे, गोंडवाना लैंड के हिस्से रह चुके हैं. ठीक है, कौन कौन से, साउथ अमेरिका, याद रखिएगा, साउथ अमेरिका रह चुका है, एंटार्क्टिका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड अफ्रीका. ठीक है, ये जो है ये किसके, गोंडवाना लैंड का हिस्सा थी, हमारी इंडियन जो प्लेट थी, इंडियन लैंडमास था, वो भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा था. तो जैसे ही जो है मूवमेंट हुआ, तो पैलेलियो मैग्नेटिक रिजल्ट ने क्या बताया, कि जो हमारा इंडियन लैंडमास है वो कहाँ मूव किया,
नॉर्थवर्ड डायरेक्शन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में उसका जो है मूवमेंट हुआ, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे हमारा सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज ओरिजिनली द पार्ट ऑफ अ ह्यूज मास कॉल्ड, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है, अभी डिस्कस करके आए हम, दैट इज नोन एज द गोंडवाना कॉन्टिनेंट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा गोंडवाना कॉन्टिनेंट में कौन कौन से लैंडमार्क शामिल थे, साउथ अमेरिका, एक बार दोबारा इसको रिपीट कर दिया जाएगा, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, इंडिया, अफ्रीका, ये सब जो है किसके हिस्से थे, ये गोंडवाना लैंड के पार्ट थे, ठीक है। तो गोंडवाना लैंड, इंडियन सब कॉन्टिनेंट ओरिजिनली इज दी पार्ट ऑफ गोंडवाना कॉन्टिनेंट, ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी नेचुरल टेरिटरीज, भारत जो है, इंडिया जो है वो कितनी नेचुरल टेरिटरीज में डिवाइड है, तो मैप आपको दिख रहा है, गिवन है आपको मैप, चलिए तो भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, तो यहां से देखिए, यू कैन सी हिमालयाज, ये जो है यहां से दिस इज हिमालय, ठीक है, यहां से हिमालय, तो भारत जो है नेचुरल टेरिटरी जो है भारत वो चार है, चार नेचुरल टेरिटरी जो है भारत की अगर हम बात करें तो चार नेचुरल टेरिटरीज हैं, तो सबसे पहली जो है दैट इज दी हिमालयन, हिमालय, या फिर आप इसको लिख सकते हैं नॉर्दर्न माउंटेन रीजन, नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन, ठीक है, हिमालयाज है, हिमालय, ठीक है, ये सबसे पहला है। दूसरे नंबर पे हमारा प्लेन, यहां पे देखिए, यहां से ये जो है हमारा प्लेन है, ठीक है, प्लेन एरियाज है, दूसरे नंबर पे है हमारा प्लेन। तीसरे नंबर पे ये देखिए डेक्कन प्लेट्यू लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, ये क्या है हमारा डेक्कन प्लेट्यू, ये जो है ये दिस इज डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास प्लेट्यू, पेनिनसुला प्लेट्यू, उसको पेनिनसुला प्लेट्यू भी बोलते हैं, पेनिनसुला जो तीनों तरफ से क्या हो, पानी से घिरा हुआ हो, पेनिनसुला प्लेट्यू, ठीक है। उसके बाद ये हमारी कोस्ट लाइन है, दिस इज कोस्ट, ये हमारी कोस्ट लाइन है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, यहां पे ये जो है ये है वेस्टर्न घाट, वेस्ट वाला हिस्सा वेस्टर्न घाट, और ये जो है हमारा ये क्या है ईस्टर्न घाट, ठीक है, आप देख सकते हैं ईस्टर्न घाट। तो यहां पे देखिए फोर्थ नंबर पे हमारी कोस्ट है, कोस्ट है, ठीक है, और एंड हमारे आइलैंड, ये देखिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है, ये हमारे क्या है आइलैंड्स हैं, एंड आइलैंड्स। तो अगर हम देखा जाए नेचुरली, तो नेचुरल टेरिटोरियल टेरिटरीज जो है इंडिया चार भागों में नेचुरली डिवाइड है, ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कितनी सब फिजिकल रीजन हैं, कितने सब फिजिकल रीजन है, तो अगर सब फिजिकल रीजन की बात करें इंडिया के, तो इंडिया छह जो है सब फिजिकल रीजन में डिवाइड है। इंडिया जो है छह सब फिजिकल रीजन में डिवाइड है, ठीक है, कौन कौन से, सबसे पहले तो आपके माउंटेन्स हुए, ठीक है, यहाँ पे देखिए माउंटेन्स हैं, आप देख सकते हैं हिमालयन माउंटेन। दूसरे नंबर पे जो है सिंधु गंगा प्लेन, क्योंकि सिंधु, सिंध जो नदी है और गंगा जो है, गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, वो मिलके जो है इस प्लेन का निर्माण करती हैं। यहाँ पे देखिए ये जो प्लेन की हमने बात करी थी, ठीक है, प्लेन, तो दूसरे नंबर पर सिंधु गंगा प्लेन है। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारा थार डेजर्ट आता है, यहां से आप देख सकते हैं हमारा डेजर्ट, डेजर्ट जो है, जो मरुस्थल है इंडिया के अंदर, दैट इज द थार डेजर्ट, ठीक है, तो तीसरे नंबर पर हम जो डिवाइड करते हैं वो है हमारा थार, थार डेजर्ट। उसके बाद यहाँ पे देखिए दिस इज, ये क्या है डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू की हम बात कर चुके हैं। चौथे नंबर पर हमारे पास क्या है डेक्कन प्लेट्यू।
उसके बाद हमारे कोस्टल प्लेन, ठीक है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो हमारे कोस्ट एरियाज हैं, ठीक है, कोस्टल कोस्टल प्लेन्स। उसके बाद हमारे रहेंगे सीज, हमारे समुद्र एंड आइलैंड्स, सीज एंड आइलैंड्स, हमारे सी समुद्र और हमारे द्वीप समूह अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, ठीक है, ये चीज आप देख सकते हैं। और हमारे सी बे ऑफ बंगाल है, दिस इज, ये जो है बंगाल की खाड़ी है, ये जो है अरेबियन सी है, और यहाँ पे नीचे जो है वो क्या है, हिंद महासागर, इंडियन ओशन, ठीक है। तो सीज एंड आइलैंड, तो इस तरीके से छह सब फिजिकल कैटेगरीज में डिवाइड है, और नेचुरल जो टेरिटरीज है इंडिया, चार नेचुरल टेरिटरीज में डिवाइड है। सो ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से रहेगा ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द उत्तराखंड आर आर्टिशियन वेल्स आर फाउंड, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं जो है पाए जाते हैं, ठीक है, इंडिया के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। सबसे पहला है भाबर में, तराई में, शिवालिक हिल्स में, और नन ऑफ दी अबो। तो आर्टिशियन वॉल्स, देखिए पाताल तोड़ कुएं क्या है, पाताल तोड़ कुएं क्या है, उसमें आपको पंप करने की जरूरत नहीं है पानी को सरफेस तक लाने के लिए। हम सबको पता है वाटर जब सरफेस तक आएगा तभी हम उसको जो है निकाल सकेंगे। वाटर को जब सरफेस तक लाना होता है तो वाटर को सरफेस तक लाने के लिए हमें इन कुओं के अंदर, पाताल तोड़ कुओं, इनके अंदर पंप करने की जरूरत नहीं है। नीचे जो नेचुरल एक्वीफायर है, नेचुरली उसके अंदर इतना जो है प्रेशर क्रिएट होगा कि पानी जो है सरफेस तक खुद ब खुद आएगा। सो वहां उत्तराखंड में ये जो है पाए जाते हैं, ये आर्टिशियन वॉल जो है, ठीक है, और उत्तराखंड के तराई रीजन में पाए जाते हैं, उत्तराखंड के तराई रीजन में पाए जाएंगे। अब देखिए तराई रीजन के बारे में हम बात करेंगे, ये जो है सपोज हिमालयन रेंज है इस तरीके से, और हिमालय की जो निचले सबसे नीचे वाली रेंज है, लोअर जो हिमालय है वो है शिवालिक। शिवालिक हिल्स, शिवालिक के नीचे 8 से 10 किलोमीटर की जो बेल्ट है, शिवालिक के नीचे जो रीजन है 8 से 10 किलोमीटर जिसकी विड्थ रहेगी, ठीक है, ये जो बेल्ट है इसको बोला जाता है भाबर रीजन। हिमालय से आने वाली जितनी भी नदियां हैं, रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, वो इस रीजन में आकर क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, ठीक है। सो 8 से 10 किलोमीटर वाइड रहेगी। उसके बाद जो बेल्ट है उसे बोला जाएगा तराई रीजन, तराई रीजन 15 से 26 किलोमीटर जो है इसकी विड्थ रहेगी तराई रीजन की। यहां पर जो भाबर रीजन के अंदर जो भी स्ट्रीम्स और रिवर्स जो क्या हुई हैं, डिसअपियर हुई हैं, तराई रीजन के अंदर वापस से एमर्ज होंगी। वापस से एमर्ज होने की वजह से ये जो है मार्शी लैंड होगा, दलदला लैंड होगा, और क्या होगा, मोस्ट फर्टाइल, मोस्ट फर्टाइल, सबसे ज्यादा उपजाऊ जो है भूमि रहेगी तराई रीजन, ठीक है। तो ये जो कुएं पाए जाते हैं उत्तराखंड के अंदर, ये कहां पर पाए जाते हैं, तराई रीजन में पाए जाते हैं, तराई एरिया में पाए जाते हैं उत्तराखंड के। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ देयर वर नो हिमालयन रेंजेस, अगर हमारे पास हिमालयन रेंजेस ना हो, हिमालय पर्वत श्रेणियां ना हो, व्हाट वुड हैव बीन मोस्ट लाइकली ज्योग्राफिकल इंपैक्ट ऑन इंडिया, इंडिया के ऊपर क्या ज्योग्राफिकल इंपैक्ट उसका पड़ेगा। सबसे पहला ऑप्शन है, मोस्ट ऑफ द कंट्री वुड एक्सपीरियंस द कोल्ड वेव फ्रॉम साइबेरिया, साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होगा हमें, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है इंडो गैंगेटिक प्लेन, जो अभी हमने बात की थी कि इंडिया जो है चार नेचुरल टेरिटरीज में डिवाइड है, उसमें से एक प्लेन का हमने जिक्र किया था, इंडो जो इंडस रिवर और गंगा की ट्रिब्यूटरीज और इन दोनों रिवर से मिलकर बना है, वुड बी डिवॉइड ऑफ सच एक्सटेंसिव एलुवियल सॉइल, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित रह जाएगा, मोस्ट फर्टाइल प्लेन है इंडिया का। तीसरा है द पैटर्न ऑफ मॉनसून वुड बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज एट प्रेजेंट, इंडिया का जो मॉनसून का जो आज वर्तमान में जो प्रतिरूप है वो अलग होगा, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो है हिमालयन रेंजेस के बारे में बिल्कुल सही है कि अगर हिमालयन रेंज हमारी ना हो, सपोज ये हिमालय है, हिमालयन रेंज अगर ना हो तो साइबेरिया, साइबेरिया रशिया, साइबेरिया से आने वाली जो कोल्ड वेव्स हैं वो क्या करेंगी, पूरी जो हमारी कंट्री है वो कोल्ड वेव को एक्सपीरियंस करेगी। तो हिमालय जो है उन कोल्ड वेव को यहां तक ही क्या कर लेते हैं, पीछे ही रोक लेते हैं कंट्री तक आने से। इंडो गैंगेटिक प्लेन जो है हमारा, ठीक है, अगर हिमालय नहीं होगा, जितनी भी हमारी रिवर्स हैं,
स्ट्रीम्स हैं जो हिमालयन ग्लेशियर्स जो हैं वहां से ओरिजिनेट होगी, तो वो जो है इंडिया को नहीं मिलेंगी। इंडो गैंगेटिक प्लेन जो है, इतनी एक्सटेंसिव एलुवियल सॉयल जो है, इतनी फर्टाइल प्लेन जो है हमारा, वो क्रिएट नहीं हो पाता। तीसरा जो मॉनसून का पैटर्न है, अब हमें हम सबको पता है कि मॉनसून जो है साउथ वेस्ट मॉनसून जो है इंडिया एक्सपीरियंस करता है। इंडिया में मॉनसून जो है साउथ वेस्ट से आएगा और रिट्रेटिंग जो मॉनसून रहेगा वो नॉर्थ ईस्ट से रहेगा। जब मॉनसून वापस जाएगा तो वो नॉर्थ ईस्ट से जो है रिट्रेट करता हुआ वापस जाएगा। अब जो मॉनसून का पैटर्न है वो भी डिफरेंट होगा, क्योंकि जो हमारी विंड्स हैं जो मॉइस्चर कैरी करेंगी, रेन बियरिंग जो विंड्स होंगी हमारी, साउथ वेस्ट मॉनसून जब इंडिया में आएगा तो हिमालय जो है नेचुरल बैरियर की तरह काम करेगा। वो विंड जो है नेचुरली हिमालय से टकराएंगी और रेनफॉल जो है इंडिया के अंदर होगी, ठीक है। वो क्या कॉज करेंगी? रेनफॉल इंडिया के अंदर कॉज करेंगी। तो इसीलिए जो हमारा मॉनसून का पैटर्न है वो भी रिवर्स हो जाएगा, वो भी डिफरेंट हो जाएगा अगर हिमालय जो है ना हो तो। ये तीनों के तीनों जो ऑप्शंस है हमारे बिल्कुल सही है। यहाँ पे आंसर जो हमारा रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों के तीनों जो हमारे आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो इसके साथ ही हमारे 25 क्वेश्चन जो है आज कंप्लीट हो गए। कल जो है हम फिर से अलग से 25 क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू। Thank you.